हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए आपको बिहार 4 वर्षीय बीएड यकीन बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, और यह 999 का प्राइस था जो कि अभी 349 ऑफर प्राइस में है। इसकी अगर लेना चाहते हैं तो 8340182235 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, या तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, या फिर आप इस नंबर पे हाई भेजेंगे तो वहां से आपको ऐप का लिंक चला जाएगा। आज का सेशन जो कि बेहतरीन है, जिसमें हम पूरी सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या रहता है, कहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक करके ये बात करेंगे। तो आज का सेशन जो है ये आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इस सेशन को आप अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे तो जिसमें हम पूरे बात करेंगे कि बिहार हमारा 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड बीएड जो है या 2024 में इसकी तैयारी कैसे करें, साथ ही साथ हमारा यह क्या प्लान रहेगा। तो पूरे दो तरह के हैं, एक आपका है कि हम सेल्फ स्टडी से तैयारी करें, ठीक। एक आप सोच रहे होंगे कि हम सेल्फ स्टडी से तैयारी करें। दूसरा, ऐसे बच्चे होंगे जो चाह रहे होंगे कि हम नहीं सर, हम कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं। दोनों बच्चों का सिलेक्शन जो रिजल्ट की रेशियो है, रिजल्ट का जो हमारा रेशियो है, दोनों से रहता है, ठीक। तो इसमें भी रिजल्ट आपको जरूर आपको रिजल्ट हो जाएगा। अब ये होता है कि रिजल्ट दोनों से तो हो जाएगा, तो फिर कम समय में जो हमारा टाइम जो कम है तो हम किसे करें। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। और जहाँ तक मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो आपके टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रहा आपका टोटल टोटल क्वेश्चन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो टोटल क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें जो बहुत ऐसे हैं कि क्या हमारा निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं, तो आपको बता दूं कि नो निगेटिव मार्किंग, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा आपकी परीक्षाओं में, नो निगेटिव, ठीक। मतलब एक भी अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स भी, कितना 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, यानी बात करें तो एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स। क्या हुआ? 1 क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स। इतना जान गए कि टोटल आपके परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आएंगे 120 आएंगे और 120 मार्क्स के भी रहेंगे, और आपके परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक। उसके बात करें तो हमारा यह जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश में टोटल बात करें तो ये हमारा 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक बात करें तो एक आपका ये 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहता है। क्या रहता है? 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहता है। और बात करें इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपसे स्पेलिंग इरर भी रहेगा। क्या रहेगा? स्पेलिंग इरर, कोई भी स्पेलिंग दे देगा और आपको कहेगा कि इनमें कौन सा स्पेलिंग इरर है। साथ ही साथ आपको इडियम एंड फ्रेज भी आने वाला है। इडियम क्या? इडियम और फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको एंटोनिम्स क्या मिलेगा? एंटोनिम्स और रहेगा, और एंटोनिम्स रहेगा और सिनोनिम्स रहेगा, ठीक। तो ये भी सभी रहते हैं। ये टोटल बात करें तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आसानी से आप यहाँ 10+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 10+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यह इंग्लिश का जो वेटेज है यह 15 क्वेश्चन रहता है। अब हमारा आता है सेकेंड हिंदी का, जो कि इसका भी वेटेज हमारा बात करें तो 15 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में आप 15 out of 15 ला सकते हैं। क्या? 15 out of 15 ला सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें आपके पूछा जाता है संधि से पूछा जाता है, समास से पूछा जाता है, उपसर्ग से प्रश्न रहते हैं, प्रत्यय रहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय रहते हैं। साथ ही साथ एक गद्यांश भी आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। क्या नंबर? गद्यांश रहेगा। और पर्यायवाची रहता है। क्या रहता है? पर्यायवाची रहता है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द रहता है। उसके बाद जो है यहाँ कारक से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कार्य, ये सभी से प्रश्न रहता है। ये हमारा बात करें वाच्य से, क्या करें? वाच्य से हमारा यह प्रश्न रहता है। तो इस प्रकार बात करें तो रस एवं छंद से भी 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक। तो इतना आपका ये हो गया। ये सभी टॉपिक को आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यह डेफिनेट है। यह 15 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन ये ऐसा हिंदी है जिसमें आप 15 में से कहें तो 13-14 आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा आता है रीजनिंग का, अगला हमारा रीजनिंग का आता है। ठीक, रीजनिंग में जो कि बात करें तो रीजनिंग में भी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। उसमें एक बात करें तो आपका ब्लड रिलेशन से ही रहता है, ब्लड रिलेशन हुआ, ठीक, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट से वाले क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट वाले, ठीक, कथन एवं कारक वाले रहते हैं। इसके बाद आपको सीरीज से क्वेश्चन रहते हैं, क्या रहते हैं, सीरीज से रहते हैं। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग ये सभी से आपको 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज आपका ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ये हमारा जीएस में जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है। अब जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, जीएस की मैं जहाँ तक बात करता हूँ तो जीएस में आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पॉलिटी पूछा जाता है। ठीक, पॉलिटी हो गया। अब आपके इसमें पूछा जाता है ज्योग्राफी से पूछा जाता है। उसमें दो चार क्वेश्चन बिहार स्पेशल भी पूछा जाता है। क्या रहता है? बिहार स्पेशल रहता है। उसके बाद हमारा इसमें जो पूछा जाता है इसमें करंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, करंट से। तो इतने सेक्शन में यह डिवाइड होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बिहार स्पेशल और हमारा यह करंट। ठीक, तो जो कि बात करें करंट में मैं आपको 1 से 2 PDF दे दूंगा, कम से कम 200 क्वेश्चन दे दूंगा। और डेफिनेट है यहाँ से अगर 5-7 क्वेश्चन अगर करंट में बनते हैं तो हर एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बिहार स्पेशल के लिए मैं बात करता हूँ, बिहार स्पेशल में मैं बिहार सेंसस को पढ़ा दूंगा, आपको बता दूंगा, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, बिहार जनगणना। ठीक, और बिहार जनगणना जो है आपको पढ़ना है, अभी लेटेस्ट आया नहीं है तो आपको 2011 वाला भी पढ़ना है, 2011 वाला ही अभी आपको पढ़ना है। ठीक, 2011। अब बिहार स्पेशल में कुछ हम क्या जानेंगे, बिहार के लेकर खनिज के बारे में जानेंगे कि बिहार में खनिज हमारा यह सोना कहाँ होता है, अभ्रक कहाँ होता है, ये सभी आपको जानेंगे। एक बात, मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा बिहार परिचय को लेकर, बिहार परिचय जिसमें हम बात करेंगे बिहार के टोटल जनसंख्या को लेकर, हमारा घनत्व को लेकर, ये सभी हम बातें बिहार परिचय में करेंगे। तो ये हो गया। अब जो है ये सभी यहाँ से बिहार स्पेशल में पूछे जाते हैं। बिहार पॉलिटी से अगर आपकी इस बार जो हमारा यह 2025 में हमारा यह विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में भी कुछ प्रश्न आपके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी की बात करता हूँ तो पॉलिटी में जो प्रश्न बनते हैं आपको राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रहेंगे, प्रधानमंत्री से रहेंगे, ठीक, इस सब से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करता हूँ हिस्ट्री की, बात करता हूँ तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि आधुनिक भारत। ठीक, आधुनिक भारत में क्या होता है, आधुनिक भारत में ये होता है जितना मारकाट जो हुआ था 1857 से 1857 से 1947 तक, आपको मैं अच्छे से ऐसे रटाऊंगा, ऐसे रटाऊंगा जहाँ से प्रश्न और ऑप्शन सही यहीं से छपेंगे। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। 40 की मैं जहाँ तक बात करता हूँ तो 40 में मैं गारंटी दिलाता हूँ कि 38 क्वेश्चन आप सिर्फ हमारे नोट्स से और हमारे क्लास से रहेंगे। ठीक, आपको यकीन नहीं होगा तो आप देख लेंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। 38 क्वेश्चन की मैं गारंटी दिलाता हूँ कि 40 में 38 क्वेश्चन आपको वही वही आएंगे जो हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की मैं जहां तक बात करता हूँ, 1857 या 1947 की बात करता हूँ, तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन छपेंगे और हमारे नोट से छपते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, अच्छे से जॉली मूड में रहिएगा, हम आपको अच्छे से करवा देंगे। ठीक, अब आपका आता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये 25 का क्वेश्चन रहता है और 25 मार्क्स के रहते हैं। आपको बता दूं इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना रहता है, स्कूल मैनेजमेंट की बात करता हूँ। ठीक, स्कूल मैनेजमेंट क्यों पढ़ना रहता है, क्योंकि अगर आप एक भविष्य में टीचर बनेंगे तो स्कूल कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, डिसिप्लिन आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा में आपको पढ़ना पड़ेगा अनुशासन, क्या पढ़ना है, अनुशासन, यानी अगर टीचर बनते हैं तो बच्चों को कैसे अनुशासन में रखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है बच्चों को मारपीट करके अनुशासन में रखना है, यानी ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे कि भविष्य में अगर आप टीचर बनते हैं एज ए टीचर को लेकर, अगर रोल ऑफ टीचर, क्या रोल ऑफ टीचर पढ़ाएंगे, रोल ऑफ टीचर, क्योंकि आप हमारे ऐप में जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में तो वहाँ हम बच्चे से बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। उसके बाद RTE, RTE 2009 जो कि कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को यह हमारा लागू हुआ था, लेकिन RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ही कहलाता है। ये सभी हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ठीक,
टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, जो कि सही मायने में कहें तो सही मायने में टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड जो है आपके लिए बेहतर होगा। अब ये सभी जो हो गया, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। अच्छा आप तो बता दिए कि सर कि तैयारी कैसे करें, सिलेबस तो हम जान गए कि टोटल आपके क्वेश्चन जो है यन 20 क्वेश्चन रहते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, क्या नो नेगेटिव, ठीक। तो आप घबराइएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है 120 क्वेश्चन को। अब तैयारी कैसे करें, तैयारी करने देखिए तैयारी दो तरह से किया जा सकता है, एक आप कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक, आप चाहेंगे तो यूट्यूब से कर सकते हैं, और दूसरा होता है किसी टीचर के द्वारा, किसी टीचर से आप कोर्स के सहारे आप कर सकते हैं। तो ठीक, तो देखिए हम जो है YouTube पे उतना वीडियो नहीं डाल पाते हैं, इसीलिए हमारी टीम पूरे जो है ये कोर्स चलाती है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं 8340182235, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 8340182235, ठीक, आप WhatsApp कर सकते हैं या Google Play Store से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा, और इसका लिंक की भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक हमारे जो चल रहा है एक यकीन बैच, ठीक, 2024 के लिए हमारा चल रहा है, और यह अभी ऑफर चल रहा है 999 के जगह अभी 349, जो कि एक बहुत ही एक अच्छा ऑफर है, आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपकी रिजल्ट जरूर होगी हमारे, अगर यकीन नहीं है तो एक बार पढ़ के देखिए, हमारे नोट से भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, 10 दिन में मैं पढ़ा के मैं सिलेक्शन दिलवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी दिलाता हूं। अगर आप हमारे यहां 10 दिन भी पढ़ लेंगे ना 10 डेज, तो मैं इसकी रिजल्ट की गारंटी दे दूंगा कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बेहतर ढंग से आप इसकी तैयारी करने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक, धन्यवाद।